ओके नमस्कार। 10th क्लास का जेंडर रिलीजन एंड कास्ट हम लोग ये टॉपिक शुरू कर चुके हैं। उसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने जेंडर के बारे में डिफाइन किया था, एक बार आप उसको देख लें। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है दैट इज रिलीजन, और जेंडर का जो पार्ट है उसका मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप देख लेना। रिलीजन जो है एक बहुत ही मेन इशू है इंडिया की पॉलिटिक्स में, या यूं कहें कि पूरे विश्व की राजनीति में धर्म बहुत गहरे से संबंध रखता है। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग रिलीजन का मतलब समझ लेते हैं। धर्म क्या है? सेट ऑफ बिलीफ्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिलीफ हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, हालांकि उनको हम उनकी सत्यता को भी जांचने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमारा अटल विश्वास है कि ईश्वर जैसी एक सत्ता है, शक्ति है, जिसकी वजह से पूरा विश्व चल रहा है। तो एक सेट ऑफ बिलीफ है, फीलिंग्स हैं, इंटरनल फीलिंग्स हैं, स्पिरिचुअलिटी है। नो वन कैन इवन डिफाइन, और हु कैन डिफाइन, मे बी द पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, बट दिस इज द इंटरनल मैटर। प्रैक्टिसेस, बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिसेस करते हैं घर में, जैसे मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं सुबह उठ करके पूजा पाठ करता हूँ, ज्योत बत्ती करता हूँ, तो ये प्रैक्टिस है। ईश्वर का नाम लेता हूँ, जो भी मुझे थोड़े बहुत मंत्र आते हैं उनका ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मानव जीवन दिया है। क्योंकि इससे डिफाइन होता है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड डिविनिटी, ह्यूमंस एंड स्पिरिचुअल पावर, सुप्रीम पावर दैट इज गॉड, डिविनिटी मीन्स गॉड। तो ये रिलीजन का मतलब है। रिलीजन है सेट ऑफ बिलीफ, फीलिंग्स एंड प्रैक्टिसेस दैट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड डिविनिटी। किसी भी दूसरे धर्म को चैलेंज करना, दूसरे धर्म के बारे में नेगेटिव बोलना, ये हमारे पॉलिटिक्स में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसलिए हमारे लिए ये चैप्टर को समझना, रिलीजन का पॉलिटिक्स में क्या रोल है उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू विल सी द प्रेजेंट सिनेरियो, यू विल फाइंड इट के दैट डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियोलॉजीज वर्किंग इन द कंट्री विच ट्राई टू डिवाइड द सोसाइटी ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन। देखेंगे हम लोग कुछ व्यूज़ के बारे में बात करते हैं, हालांकि हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मैटर्स पे बात नहीं करेंगे, हम यहीं पर चैप्टर से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हमने रिलीजन को डिफाइन किया, उनके बाद पॉलिटिक्स के बारे में और रिलीजन के संबंध के बारे में कुछ लोगों के व्यूज़ हैं, तीन तरह के व्यूज़ हैं। एक गांधी जी, जिनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, उनका मानना है कि रिलीजन को और पॉलिटिक्स को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन उनका यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि जो डिवीज़न करती है सोसाइटी को, इस्लाम की मान्यताएं, हिंदू धर्म की मान्यताएं, सिख की, उनसे नहीं है। इनका मतलब है हर एक रिलीजन में कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, उनका इस्तेमाल पॉलिटिक्स में किया जाना चाहिए। जैसे सत्य बोलना चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, जुर्म के खिलाफ या जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, माइनॉरिटीज़ की हेल्प करनी चाहिए। तो इस तरह से गांधी जी के व्यूज़ हैं कि धर्म को और राजनीति को, रिलीजन को और पॉलिटिक्स को अलग नहीं किया जा सकता, बशर्ते जो गुड डीड्स हैं रिलीजन की उनको पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं कि हर एक देश में कुछ ग्रुप मेजोरिटी के होते हैं, कुछ माइनॉरिटी के होते हैं। इंडिया में हिंदू धर्म मेजोरिटी में है, बाकी के जो रिलीजन हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, ये जैन हैं, पारसी हैं, सारे माइनॉरिटी में हैं। तो ह्यूमन राइट्स वालों का कहना है कि गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए कि जो माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और किसी भी तरह का जो वॉयलेंस है, राइट्स हैं माइनॉरिटी के खिलाफ, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ माइनॉरिटी और मेजोरिटी का मतलब है कि जिसकी संख्या 50% से कम होती है उनको हम माइनॉरिटी कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं। जिनकी संख्या 50 से ज़्यादा होती है, 50% से, वो मेजोरिटी में आते हैं।
तो ह्यूमन राइट वाले कहते हैं कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, दे शुड नॉट कंसीडर देयर एवरीथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेजोरिटी, दे हैव टू वर्क फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द माइनॉरिटीज ऑल्सो. द नेक्स्ट वन इज फैमिली लॉज. इफ यू विल सी यू विल फाइंड देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट लॉज. द वोमेन्स आर रेजिंग देयर वॉइस दैट फैमिली लॉज शुड बी इक्वल. फॉर एग्जाम्पल हिंदू एंड इस्लाम धर्म में अलग अलग रूल्स हैं. वहाँ ज़्यादा इस बारे में बात इसलिए नहीं करेंगे कि हमें मामला पॉलिटिलाइज नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ टेंथ क्लास के बारे में बात करनी है. फैमिली लॉज का मतलब होता है फैमिली रिलेटेड लॉज, जिसमें मैरिज आती है, डाइवोर्स आता है, एडॉप्शन आता है. और इन सब को इक्वल करने के लिए, लॉज को सभी धर्मों के लिए बराबर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसमें आपने देखा 3 तलाक का जो कानून था उसको हटा दिया गया है. ठीक इसी तरह से बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि जो लॉज हैं वो सभी धर्म के लिए एक होना चाहिए. तो जो वोमेन मूवमेंट हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई है कि जो फैमिली लॉज हैं वो सभी धर्मों के बराबर होने चाहिए. तो ये 3 व्यूज हमने डिस्कस किए. उसके बाद हम कॉम्युनलिज्म के बारे में बात करते हैं. रिलीजन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद कॉम्युनलिज्म. What is the meaning of communalism? Communalism can be defined as an ideology. एक विचारधारा है जिसमें एक धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझता है, दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, वो communal mind होता है. तो communalism can be defined as an ideology in which a person who belongs to a particular religion, he relies, he feels, he tried to propagate that his own religion is best and remaining religions are having no values, and he tries to disturb the religious practice of others, religious sentiment and feeling of others, because of which the disturbance comes created by that particular person. तो कॉम्युनलिज्म को एक आइडियोलॉजी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझे और दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे. दिस इज व्हाट कॉम्युनलिज्म इज. द मेन थिंग इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस इन द चैप्टर, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ रिलीजन एंड स्पेसिफिकली कॉम्युनलिज्म एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स. और कॉम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स का क्या संबंध है शायद हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हमने त्रासदी को सहन किया है. सेपरेशन जो हुआ था, डिवीज़न जो हुआ था इंडिया का 1947 में धर्म के नाम पर. थोड़ा और बैक में जाते हैं, 1857 जो आपने फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, 1857 की क्रांति के बारे में सभी जानते हैं. हमने देखा कि उस क्रांति में सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर के हिस्सा लिया, जिसमें इस्लाम धर्म के लोग भी थे, हिंदू भी थे, सभी जातियों के लोग थे, सभी भाषा के भाषाई समूह थे, सब लोगों ने बराबरी का हिस्सा लिया, जो एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी जिसने अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी थी. लेकिन उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने यह एहसास किया कि अगर इनको अलग नहीं किया गया, सेपरेट नहीं किया गया, तो देयर विल बी ए डेंजर फॉर द रूट्स ऑफ द British Empire in the India. That's why they have followed the policy of divide and rule. फूट डालो राज करो की नीति उन लोगों ने अपनाई. और धीरे 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 हिंदूज के माइंड में, मुस्लिम्स के माइंड में एक दूसरे के प्रति जो जहर उन लोगों ने भरना शुरू किया, जिसकी परिणति अंत में देश का विभाजन होकर के हुई. और आज भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो किया जाता है पॉलिटिक्स में, चाहे वो धर्म के नाम पर है, चाहे वो कास्ट के नाम पर है. तो कॉम्युनलिज्म का और धर्म का इस्तेमाल राजनीति में पहले से होता आया है, जिसकी वजह से हमारे देश को बड़ा भारी नुकसान झेलना पड़ा. और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि शांति से नहीं रह पाते. हमारे मस्तिष्क में भले ही दूसरे धर्म से संबंधित कोई व्यक्ति है, उनसे हमारा कोई संबंध ना हो, लेकिन हमारे माइंड में इतना जहर भरा हुआ है कि दूसरे धर्म के लोगों के जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनके खिलाफ हम हमेशा कुछ ना कुछ कहने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं. तो वी
खास करके 10th क्लास के स्टूडेंट और जिनके लिए मैं ये लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, वो ये बात सोच लें कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो क्रिएट किया गया है, ये पॉलिटिशियंस ने अपने बेनिफिट के लिए ये क्रिएट किए गए हैं। ये जो जितने भी कास्ट का इस्तेमाल हो रहा है, अगले पार्ट में हम कास्ट के बारे में बात करेंगे, यहाँ हम कॉम्युनलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि कॉम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में कैसे कैसे फॉर्म्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पहले एवरीडे के बिलीफ जो मैंने अभी बात किए, हमारा माइंड पहले से ही सेट है, प्रिजुडिस है, स्टीरियोटाइप्स हैं, बिलीफ्स हैं, और पॉलिटिशियंस उनका पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो अपने भाषण में, अपने शब्दों में दूसरे धर्मों के लोगों के बारे में नेगेटिव बोल करके हमारे सेंटिमेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं और हमें अटैक करने का प्रयास करते हैं। तो पॉलिटिक्स में कॉम्युनलिज्म का, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है, सोसाइटी को डिवाइड करने का प्रयास किया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा, ताकि एक पर्टिकुलर वोट बैंक उनका तैयार हो सके और वो लोग शाम दाम दंड भेद किसी भी चीज़ को अपना करके पावर में आ सके। तो इस तरह से डेली जो बिलीफ हैं उनको डिस्टर्ब करके सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है और पॉलिटिशियंस के द्वारा फायदा उठाया जाता है। पॉलिटिकल डोमिनेंस, मेजोरिटी, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, माइनॉरिटी से हो, मेजोरिटी से हो, उसको मालूम है कि जब तक वो पॉलिटिकल पावर में नहीं आएगा तब तक अपने लोगों के लिए कोई काम नहीं कर सकता, पॉलिसीज नहीं कर सकता, या यूं कहें कि अपने ग्रुप के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उनके डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों ही पॉलिटिकल डोमिनेंस का इस्तेमाल करते हैं। और धर्म का, जैसे हमारे यहाँ पर सारे धर्म हैं, सभी प्रयास करते हैं पॉलिटिकल डोमिनेंस को पाने का। तो एवरी ग्रुप, वेदर इट इज मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, दे आर ट्राइंग टू गेट द पॉलिटिकल डोमिनेंस, दे वॉन्टेड टू कम इन टू द पावर, दे यूज द रिलीजियस सेंटिमेंट फॉर इट, दे ट्राई टू ग्रैब द पावर सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर पीपल, दे कैन डू समथिंग फॉर द डेवलपमेंट, एंड बेसिकली द मीन इज वन, दे वॉन्टेड टू मेक द बेनिफिट ऑफ देयर ऑन, नॉट ऑफ द अदर रिलीजियस पीपल, इवन नॉट ऑफ देयर ऑन रिलीजन पीपल। वो सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए काम करते हैं पॉलिटिकल डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि धर्म के नाम पर सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है। और हमारे देश में धर्म के प्रति इतनी गहरी आस्था है कि जब धर्म का इस्तेमाल करके कोई बात कह दी जाती है तो सभी लोग एक तरफ हो जाते हैं। इलेक्शन के टाइम पर अलग अलग धर्म के लोग, इधर इस्लाम धर्म के लोग, इधर हिंदू धर्म के लोग, इधर सिख जो हैं, अपने अपने धर्म के लोगों का प्रचार करने का प्रयास करते हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हैं, लोगों को इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, फीलिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें और धर्म भी आ गए, जैन, पारसी, सभी के सभी लोग अब धर्म के नाम पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि वो लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर के उनके लिए वोट दें और वो लोग पावर में आ जाएं। उसके लिए वे स्कर्ड जो सिंबल्स होते हैं, पवित्र सिंबल होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। रिलीजियस लीडर अपनी भाषा से, अपने शब्दों का इस्तेमाल करके, जिसको ज़्यादा बेहतर बोलना आता है उसको स्क्रिप्ट की हुई लेक्चर दी जाती है, वो तैयार किया जाता है और वो पब्लिक में आकर के एड्रेस करता है, लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट को अट्रैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है और खुद पावर में आने का प्रयास करता है। इमोशनल अपील की जाती है कि मैं आपके धर्म का हूं, मैं आपके धर्म के लिए काम करूंगा, आप मुझे वोट दें, आई विल बी इन पावर, आई विल डू फॉर यू, आई एम द ओनली पर्सन हु विल डू समथिंग फॉर यू, एंड एज आई टोल्ड यू द पीपल आर रिलीजियस फूल इन आवर कंट्री, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ड ऑफ द रिलीजियस लीडर एंड अनफॉर्चुनेटली द रॉन्ग पीपल कम्स इन द पार्लियामेंट एंड द कंट्री अगेन गेटिंग डिस्टर्ब बाय दीज रिलीजियस लीडर्स। कॉम्युनल वायलेंस होता है धर्म के नाम पर दंगे भड़कना। एग्जाम्पल देता हूं, 1947 डिवीजन ऑफ आवर कंट्री, 1984 अगेंस्ट सिख और गोधरा, इस तरह से बहुत सारे ऐसे कॉम्युनल राइट्स हुए हमारे देश में, जिसकी वजह से हमारे देश का जो कॉम्युनल सिस्टम था, हमारे देश का जो रिलीजियस पीस का जो सिस्टम था, उस सारे को डिस्टर्ब कर दिया गया पॉलिटिशियंस के द्वारा। हमारे देश को दंश झेलना पड़ा, त्रासदी झेलनी पड़ी सेपरेशन की। इतना बड़ा महान देश जिसकी संस्कृति को
हम कह सकते हैं सबसे एंशियंट कल्चर, सबसे महान जो कल्चर था, धीरे धीरे उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है धर्म के नाम पर। तो आप देखेंगे कि कॉम्युनल वायलेंस इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय द पीपल। अब देखिए ये सवाल क्या बनता है, सवाल बनता है कि किस तरह से कॉम्युनलिज्म वेरियस फॉर्म्स लेता है पॉलिटिक्स में। एक एवरीडे बिलीफ को यूज़ किया जाता है, पॉलिटिकल डोमिनेंस में आने का लोग प्रयास करते हैं, पॉलिटिकल लोगों को मोबिलाइज किया जाता है बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके। कॉम्युनल वायलेंस हमारे देश में है, होता है इसकी वजह से, और पॉलिटिकल लोग इसका फायदा उठाते हैं। ये है रिलीजन कॉम्युनलिज्म। और जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है हमारे देश का, हालांकि आजकल का जो आजकल की जो हवा है, आजकल की जो आबो हवा है, उसमें वो देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, धर्म निरपेक्ष देश है। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। ऑन व्हाट बेसिस वी कैन से इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना केवल इवेल्युएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री यू मस्ट बी अवेयर ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री एंड व्हाट द बेनिफिट वी आर हैविंग विद दिस आइडियोलॉजी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी, सेकुलरिज्म मीन्स, विद एग्जाम्पल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, पाकिस्तान, वहां का स्टेट रिलीजन है इस्लाम। कोई भी ओपन में इस्लाम के धर्म के अलावा रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर सकता। इंग्लैंड का स्टेट रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। श्रीलंका का रिलीजन है स्टेट बौद्धिज्म। स्टेट रिलीजन से मतलब है कि अगर कोई दूसरे धर्म का लोग व्यक्ति है तो वो अपने धर्म को खुले में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसको इंडिविजुअल जाना पड़ेगा, और कई बार तो इंडिविजुअल भी उसको वो प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती, उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। तो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। इंडिया में किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने की, फॉलो करने की, प्रोपोगेट करने की, ठीक है, पूरी पूरी आज़ादी है। इंडिया का कोई भी अपना स्टेट रिलीजन नहीं है, सभी धर्मों को इक्वल मान्यता है, कानून के सामने सभी बराबर हैं। देखिए पॉइंट से करते हैं, इंडिया डू नॉट हैव इट्स स्पेसिफिक स्टेट रिलीजन, वन। सेकंड वन, एवरीवन इज फ्री टू प्रैक्टिस प्रोपगेट एनी ऑफ द रिलीजन द वे ही और शी वॉन्ट्स। थर्ड, इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एवरी रिलीजन इज इक्वल, नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन इन आवर कंट्री। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। तो वी एज अ स्टूडेंट, वी एज अ टीचर कम्युनिटी, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आइडियोलॉजी, दिस फिलोसफी। वी शुड बी वेरी प्योर फ्रॉम आवर माइंड with whatever religion we belongs to, we try to follow it, practice it, and we try to inculcate the good ethics of that religion. हमारे धर्म में समझाया जाता है कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी प्राणी मात्र को नुकसान नहीं पहुंचाना है, चोरी नहीं करनी है, सत्य बोलना है। और आप देखेंगे कि सभी धर्मों में ऐसा ही कहा गया है, कोई भी धर्म किसी भी तरह की नेगेटिव नकारात्मक बात को प्रोत्साहित नहीं करता। ये तो उसको इंटरप्रेट गलत कर लिया जाता है, उस धर्म की व्याख्या गलत की जाती है, धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई बातों का गलत मतलब लगाया जाता है। खैर, तो इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, हम इन बात पर रहेंगे। हमने अभी किया मीनिंग ऑफ रिलीजन, व्यूज ऑफ थ्री things, then what we mean by communalism, how communalism take the various forms in politics, and at last on what basis we can say India is a secular state. ये चार पांच सवाल हैं, आप लिख लेंगे। अब हम इसके बाद हम जो है next part, next lecture में बात करेंगे, वो हमारा part रहता है casteism का। तो अभी आप इसको study करें, ये चार पांच questions कर लें, अगले lecture में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।